आई नो अभी यही करना होगा। शमा के लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। पापा रूही संभालो अपने आप को। करण पापा, पापा जी छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे मुझे लग रहा है कि पापा ना ठीक हो गए। तो देखा ना यशमा कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी। और मैं जानती हूँ दोनों के प्यार को। करण वो दोनों बहुत कनेक्टेड है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ भी पापा को होता ना सबसे पहले यशमा को पता चलता। तुम समझ रहे हो ना, दोनों के दिल कनेक्टेड है। मैं उन दोनों के प्यार को जानती हूँ। और अगर यशमा बोल रही ना तो ऐसा हो सकता है कि पापा ठीक हो। हम लोग ऐसे ही रो रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि पापा ठीक हो सकते हैं? हमें जाके ना एक बार वैसे चेक करना चाहिए। ऐसे मुझे लग रहा है कि पापा ठीक हो गए। यशमा बोल रही है ना। रूही यशमा इस वक्त इस स्टेट में नहीं है कि वो ये सब बिलीव कर सके। लेकिन तुम ये सब नहीं मान सकती। I know our heart wants to believe in such romantic theories, but unfortunately that's not true. हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर चुके हैं। हम एयरलाइन के एमडी के पास गए। उस प्लेन पे पापा थे। पैसेंजर लिस्ट में उनका नाम था। और मनी अंकल जो ब्रेसलेट के पीसेस लेके आए हैं वो पापा के ही थे। रूही रूही मेरी बात सुनो। देखो वी नीड टू हेल्प यशमा। और उससे पहले हमें खुद इस सच को मानना होगा। मेरी बात सुनो संतोषी। मैंने जो अपने बंधु को खोया था ना, तब याद है तुमने क्या बोला था? तुमने मुझे बोला था कि मधु, जब माता रानी कुछ बड़ा दुख देती है ना हमें, तो हमें उसे सहने की शक्ति भी देती है। बोला था तुमने मुझे। हम दोनों ने ये दुख पहले सहा है। रिंकी और बंधु को हमने खोया है संतोषी। और रमन तो मेरा भी बेटा था, पर अब हमें इस दुख को सहना होगा। तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा संतोषी। ईशु तुम मान भी नहीं रही है कि अभी रमन नहीं रहा, तो हमें उसके लिए स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें उसको सच बोलना चाहिए। वो रो भी नहीं रही है संतोषी। अगर वो नहीं रोए तो वो भी मर जाएगी। मेरी बात सुनो। अब अगर रमन के अंतिम संस्कार करेंगे ना, तो यीशु ये सच्चाई मान लेंगे कि अभी रमन नहीं रहा। हमें यीशु के लिए ये करना होगा। मेरी बात नहीं, नहीं 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 कर सकती मैं। मुझ में हिम्मत नहीं है। मैंने अल्लाह सामने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया। बाला को बोलती तैयारी कर देगा। ऐसा मत करो संतोषी। यीशु के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। अपने परिवार के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तुम्हें अपना दुख है उसको भूलना होगा। मरने वाले व्यक्ति का पार्थिव शरीर नहीं मिला है, पर क्या हम उनका कुछ सामान पूजा में रख सकते हैं? ऐसा कुछ जो उनका ही था, जिससे हम एक प्रतीकात्मक अंतिम क्रिया कर पाएं।
ये क्या कर रही हैं आप? अंतिम विधि करने दीजिए, वरना मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और अगर व्यक्ति मृत ना हो तो क्या उसे जबरदस्ती मृत बनाओगे? एक काम करती हूँ, तुम्हारी तस्वीर यहाँ रखती हूँ, फूल माला तुम्हारी तस्वीर पे चढ़ा देती हूँ, चलेगा? सबके सब पागल हो गए हो, पागल! किसी को समझ में नहीं आ रही कि रमन कहाँ है, उन्हें ढूंढे, पागल पर मचा रखा है यहाँ पे, बहुत शौक चल रहा है ना सबको मातम बनाने का। रुको, निशिमा, क्या कर रही हैं आप? एक काम करती हूँ, खुद को मारती हूँ। खूब मनाओ मातम। किसी ने भी अगर कहा कि रमन मर गए तो इशिता का मरा हुआ मुंह देखोगे। देखो देखो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। हाँ, उसे नीचे रखो, प्लीज प्लीज, लग जाएगी तुम्हें। अरे मजबूर कर दिया है तुम लोगों ने, पागल हो गए सबके सब, कोई मानने कोई तैयार नहीं है। किसी को सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है ना। ठीक है, जब रमन आएंगे पूछेंगे कि क्या हुआ इशिता को, तो समझा देना कि इशिता ने ऐसा क्यों किया। प्लीज इशिमा, ना मुटन ना कर। तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। जस्ट थ्रो दैट डैम नाइफ। अपने आप को हाँ मत करो। प्लीज कब से आप लोगों को समझा रही हूँ, किसी को समझ नहीं आ रही है ना। अब देख लिया नतीजा। इशिता सुन मेरी बात, मैं तेरे साथ हूँ और मैं जानती हूँ कि रमन भाई जिंदा हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, और हमें उन्हें वापस लाना होगा ढूंढ के। हाँ, अगर ये सब लोग पागल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अपना संतुलन खो देंगे। आई नो कि ये सब लोग तेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन ये सब करना ठीक नहीं है। अगर तू ऐसे बिहेव करेगी तो फिर रमन भाई को कौन ढूंढेगा? हाँ, तुझे और मुझे मिलकर रमन भाई को ढूंढना है, और आप लोगों को मातम मनाना है ना, तो मनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इशिता, हम जब रमन भाई को इन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे ना, तब इन्हीं लोगों को शर्मिंदगी होगी कि कैसे ये सफेद कपड़े पहन के रमन भाई की फोटो पर हार चढ़ा के खड़े थे सब। तब तक हम लोगों को शांति से काम लेना है। हाँ, और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तू जो सोच रही है वही सही है। रमन भाई को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, और आप लोग अंतिम संस्कार करना चाहते हैं ना भाई का, तो करिए ना, मनाइए मातम। और मम्मा, आप कैसी माँ हो? आपने कैसे मान लिया कि आपका बेटा मर चुका है? आप क्यों वो महसूस नहीं कर पा रही जो इशिता कर पा रही है? खैर इशिता, तूने पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना, हम अभी जाएंगे पुलिस के पास। और शमा, सिमी बुआ सुन, ये भी तेरा गला बहुत सूख गया होगा, तू इतनी देर से बातें कर रही है। रमन भाई जिंदा है और हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। कमिश्नर सर ने कहा है कि ढूंढेंगे रमन को। हाँ इश्ता, हम रूम में चल के बात करते हैं। हाँ प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।